राधा अष्टमी के दिन बरसाना पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। जन्मोत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए आए 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत। जी आपको बता रहे, मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी के दौरान दर्शन करने आए 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। शनिवार सुबह लाडली जी के मंदिर में अभिषेक पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। आपको बता दें, राधा अष्टमी के अवसर पर लाडली जी के दर्शनों को करीब 2 लाख भक्त दर्शनों के लिए बरसाना पहुंचे हैं। इसी दौरान लाडली जी के मंदिर की सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। उन्हें CHC लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं बरसाना के सुदामा चौक पर भी एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो सकी है। आपको बता दें, इसके अलावा लाडली जी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए। हालांकि भारी भीड़ और गर्मी के कारण कुछ लोग रात में ही बेहोश हो गए थे, जिन्हें लोगों द्वारा भीड़ के बीच में से निकालकर अस्पताल ले जाया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरने वालों में से प्रयागराज की रहने वाली 60 वर्षीय श्रद्धालु राजमणि है, जो राधा रानी के दर्शन करने अपने परिवार के साथ बरसाना पहुंची थी। तो वहीं दूसरे बुजुर्ग की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हालांकि भीड़ के कारण मौत की बात को प्रशासन ने खारिज किया है। मथुरा पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया है। पुलिस का दावा है कि भीड़ या दम घुटने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल भूमि। देखिए, बरसाना में विश्व प्रसिद्ध राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हैं और दर्शन पूजन का तांता लगातार चल रहा है। सोशल मीडिया में 2 मृत्यु की खबरें जो चल रही हैं, सबसे पहले तो इस बात का खंडन किया जाता है कि मंदिर परिसर या मंदिर के आसपास की इस तरह की कोई भगदड़ में कोई घटना है। 2 वृद्ध व्यक्ति थे, एक महिला जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनका शुगर लेवल काफी हाई था और अपने परिजनों के साथ वो आई थी। उनका शुगर लेवल 500 से ऊपर बढ़ गया था, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। रात में भी उन्होंने खाना नहीं खाया था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। दूसरे एक लगभग 75 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे, वो जो हमारा मंदिर परिसर है या जो दर्शन क्षेत्र है उससे बाहर अपने एक चबूतरे पे बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें भी तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनकी मृत्यु बताई गई। मंदिर परिसर मेला क्षेत्र में दर्शन पूजन को लेकर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, इसका पूरी तरह से खंडन किया जाता है।